हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। एक्चुअली बहुत दिन से मैंने वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में एक स्टोर लेने के लिए सोच रहा हूँ। तो उसके लिए बात कर रहा हूँ जो स्टोर का ओनर है, उसके लिए बहुत थोड़ा सा बिजी था, इसीलिए वीडियो वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में ना स्टोर रेंट में लेना बहुत मुश्किल सा काम है, तो इसीलिए वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज जो है, आज हमारे यहाँ पे बेंगोली का नया साल है, तो उसमें क्या करता है ना कि सब लोग बाज़ार में चिकन मटन वगैरह बड़ा सा फिश वगैरह पाचिस करते और खाना वाना खाते। तो अभी है ना, अभी सुबह का 8 बज रहा है, तो अभी हम लोग मार्केट जाएंगे, जाके चिकन मटन जो भी है वो पाचिस करेंगे। सुबह नहा धो के रेडी हो गया, ये देखो अभी मतलब पूजा देंगे, पूजा करने के बाद किचन में जाएंगे, जाके खाना वाना वो बहुत सारा चीज़ आज बनाना पड़ेगा, तो बहुत बिजी रहेगा। तो अभी बाजार चलते हैं, मार्केट मार्केट जाके कुछ परचेस करते, जो फिश वगैरह परचेस करते। तो चलिए। तो हमारा घर से मार्केट है ना 2 किलोमीटर दूर है, उधर जा रहे हैं अभी। आज का जो दिन है वो बंगाली का मतलब नया साल शुरू हुआ। तो इंडिया में कुछ कुछ स्टेट में वो जो नया साल में जो फेस्टिवल करता है वो मतलब उतना ऐसा फेस्टिवल नहीं है। घर में सब लोग खाना वाना बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं और अच्छी तरह से खाते हैं, वही है मतलब वो फेस्टिवल जैसा नहीं है। नया साल शुरू करता है जो लास्ट डे काल का दिन गया, उस दिन बहुत परचेज वगैरह करता है लोग, ड्रेस वगैरह परचेज करता है। जैसे कि आज का दिन में लोग नया सा ड्रेस पहनते हैं, ऐसा भी कुछ कुछ लोग करता है। तो वही है आज का दिन, मतलब कुछ स्पेशल है ऐसा ही आप मान सकता है। पिताजी का याद बहुत आ रहा है, पता नहीं। मतलब अभी घर में कोई नहीं है, लड़का लोग मैं ही हूँ। तो सडनली पिताजी का बहुत याद आ रहा है। अगर पिताजी आज का दिन रहता तो मार्केट वगैरह मतलब वही जाते हैं, सब कुछ करता है। मतलब एक खुशी रहता है बहुत सा, वही है। तो चलो ठीक है गाइस, मतलब अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मतलब मैं ही सब कुछ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कभी कभी हो जाता है गाइस, मतलब जब आप अकेला हो तो मतलब आपका पिताजी माताजी का याद हो जाता है, वही है और कुछ नहीं है। अभी मैं अकेला जा रहा हूँ बाजार, तो सडनली पता नहीं क्यों मतलब उनका याद हो आ रहा है बहुत सारा।
ज़्यादा याद आ रहा है, क्योंकि हर टाइम काम में बिजी रहता हूँ, साथ में कोई रहता है तो वो सब याद नहीं रहता है। मतलब जब आप अकेला होगे तो ऐसा चीज़ जो है याद हो जाता है। आज का दिन है ना, मतलब रोड की साइड में कहीं पे भी जो है ये मतलब मटन चिकन वगैरह वो सेल होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट पे आपको जाना पड़ेगा, ये देखिए रोड का साइड में जो है यहाँ पे सेल कर रहा है मटन। ओ भाई साहब यहाँ पे देखो मटन काट रहा है, काटिंग हो रहा है कितना सा, देखो यहाँ पे देखो कंटिन्यू चल रहा है यार, यहाँ पे भी देखो मतलब कैसे काटिंग होता है जो मटन है। ओ और यहाँ पे जो सेल हो रहा है ये देखिए, यहाँ पे सेल कर रहा है और यहाँ पे काटिंग वगैरह चल रहा है ये देखो। आज है ना, आज चिकन जो है यहाँ पे देखो नीचे चिकन है। मतलब आज चिकन लोग कम खाएंगे, मटन वगैरह ज़्यादा खाएंगे आज। मॉडर्न शॉप पे कितना भीड़ देखो गाइस, मतलब लाइन लगा हुआ है सुबह से, और यहाँ पे देखो कितना लोग आ रहा है कंटिन्यूसली। मतलब आज मॉडर्न शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे देखो हम लोगों को लगभग आधा घंटा हो गया। तो हम लोगों का बाज़ार अभी कंप्लीट हो गया। आपने सोच रहे कि मैंने कैसे बाज़ार किया, तो मेरा साथ जो है जीजू है, तो उनका गाड़ी लेके उन्होंने भी बाज़ार किया। तो जीजू ने जो मार्केट से जो परचेज वगैरह वो सब कर दिया, उन्होंने भी किया और मेरा भी किया है। तो मतलब मैं भी उनका साथ था जितना गाड़ी जाता है अंदर। तो अभी शाम की टाइम हो गया, खाना वाना सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, ऐसा से मैंने ज़्यादा खा लिया, खा के थोड़ा रेस्ट किया। अभी है ना हमारे यहाँ पे शाम को एक जैसे कि मेला होता है, जैसे जिसका नाम है चरक मेला, मैं वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो चरक मेला होता है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए शेख कैसा अच्छा है भाई साहब, कितना अच्छा है गांव में देखो। और मेरा कार वार पूरा वॉश कर लिया, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा नया सा लग रहा है गाइज। तो अभी हम लोग जाएंगे चरक मेला में। ये देखिए गाइस यहाँ पे जो मेला आपको बताया कैसा मेला है गाइस, उसके अंदर जो है ये जो आपको लकड़ी दिख रहा है ना, उसके नीचे उधर मतलब कुछ हो रहा है, क्या क्या चीज हो रहा है, दुर्गा का विसर्जन होता है, क्या क्या होता है जी, मतलब ये गांव में ऐसा होता है। तो मैं तो उधर जा नहीं सकता, तो इस यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पेड़ को, सीधा वाला पेड़ को काट के मतलब बीच में उसको गाड़ा गया है, और उसका जो दो साइड है दो साइड में बेम्बो लगा हुआ है, और उसको देखिए आप रेड क्लॉथ से उसको राउंड करके राउंड किया है और उसमें पूजा किया है। मतलब ये गांव का तरीका भाई, मुझे भी उसके बारे में उतना पता नहीं है। और ये देखिए जो बेम्बो है दो साइड में लगा हुआ है और उसमें रस्सी भी लगा हुआ है, रस्सी में आपको दो आदमी को मतलब रॉड से जो पीठ है उसमें हुक लगाता है, फिर उसमें उसको झुलाता है। ये देखिए घुमा रहा है, अभी जो घुमा रहा है यहाँ पे देखिए गाइस बहुत अजीब सा है, मतलब क्या क्या चीज़ होता है इंडिया में। फिर शाम हो गया, हम लोग घर पे आ गया, अंधेरा हो गया, वीडियो वगैरह नहीं कर।